भारतीय क्रिकेट टीम में हमेशा से ही एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। आम लोगों को इन क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जितना लोगों के खेल में, और इसी कारण क्रिकेटरों से जुड़ी कोई ना कोई खबर इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। अब जिस क्रिकेटर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस क्रिकेटर के बारे में हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे, ये कोई आम क्रिकेटर नहीं। इन्हीं के एक इशारे पर पूरी क्रिकेट टीम का गठन हुआ था और इन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 शादियां की थी। आपको बता दें कि इस महान क्रिकेटर के 88 बच्चे थे और ना जाने कितने ही अफेयर्स रहे थे। हम जिस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि महाराज भूपेंद्र सिंह हैं। भूपेंद्र सिंह अनेकों बार पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड लेकर गए थे और बाद में उन्हें कप्तान बनाया गया था, लेकिन कप्तान बनने के बाद वो अपना पहला मैच नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद एक बार उन्होंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को भारत बुला लिया था और अपने ही घर के एक अंदर बने मैदान में मैच खेला था। महाराज भूपेंद्र सिंह अकेले ऐसे महाराजा थे जिनके पास 30 रोल्स रॉयस थी और उनके पास एक ऐसा हीरे का हार भी था जो कभी दुनिया में दूसरा बना ही नहीं। महाराजा की उम्र मात्र 47 साल थी जब उनका निधन हो गया और उसके बाद हरम में करीब 360 महिलाएं थी जिनमें मात्र 10 को उनकी महारानी का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।